समाज के लिए उन्होंने जो कार्य किया है समाज हमेशा उनका ऋणी रहेगा और समाज भले ही चाहे उनको भुला दे पर शिक्षा जगत कभी उनको भुला नहीं सकता। शिक्षा का धन से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अगर धन से संबंध होता तो बड़े बड़े धनवान लोग ही शिक्षा को खरीद सकते थे और उससे वो अपने एक परिवार तक ही सीमित रख सकते थे। शिक्षा एक जन्मजात प्रक्रिया है और इसमें जिनके मन में जिज्ञासा, लगन, तीव्र इच्छा होती है, कुछ करने की ललक उनके मन में होती है, वो गरीब घर में पैदा होकर के भी बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और देश के लिए एक अच्छे होनहार वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर बनकर के देश और समाज की सेवा कर सकते हैं। हमारे इतिहास में ऐसे अनेकों उदाहरण मिलेंगे जिसमें गरीब घर में पैदा होकर के उन्होंने देश और समाज की बहुत अच्छी शिक्षा की और समाज के एक अनमोल धरोहर के रूप में सिद्ध हुए, जिनमें हमारे जो देश के प्रधानमंत्री माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी एक गरीब परिवार में ही पैदा हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो राष्ट्रपति हुए वो भी एक गरीब परिवार में पैदा हुए और उन्हें पैदा होकर के एक समाज के लिए अनमोल देन दी और ये बात सिद्ध कर दी कि यहाँ पर जो है धन का शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। सरकार के द्वारा जो कानून लाया गया कि आरटीई एक्ट के तहत कि 8वीं तक निशुल्क शिक्षा दी जाए और किसी को फेल न किया जाए, यद्यपि साक्षरता प्रतिशत बढ़ाने के लिए ये कदम उचित था पर समाज के जो होनहार बच्चे हैं, जो समाज के लिए में कुछ बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुआ है, क्योंकि जो समाज में बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं उनके मन में एक भाव पैदा हो गया कि आज 8वीं तक हम पढ़ेंगे तो भी पास होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो भी पास होंगे, इसलिए उनके मन में आलस्य आ गया, पढ़ने की प्रवृत्ति उनकी क्षीण होती चली जा रही है। दूसरी ओर वहीं शिक्षकों के मन में भी ये भाव जागृत हो गया, सरकार ने तो कानून बना दिया है, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो अगर बच्चा खाली भी कॉपी छोड़ आएगा तो निश्चित रूप से पास हो जाएगा, इसलिए ये जो स्थिति बनी है वो समाज के लिए बहुत ही घातक बनी है और ऐसे कानून को सरकार को वापस लेना चाहिए। हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमारा आपसे संपर्क नहीं हो पाया, आपसे मिलन नहीं हो पाया और इसमें हम कोई भी सहयोग नहीं दे पाए और ना ही हम कोई बात समाज तक वो पहुंचा पाए, पर आज आपसे हमारी मुलाकात हुई है, मुझे आपसे मिलकर के बेहद प्रसन्नता हुई है और आप ये पुनीत कार्य कर रहे हैं कि जो शिक्षा जगत के जो शिक्षक हैं या जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं या जो शिक्षाविद हैं उनकी भावनाओं को जन समाज तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। ये अनमोल फिल्म अगर बनाई जा रही है तो मैं इसके लिए पूर्ण रूप से तन मन धन से समर्पित हूं और साथ ही मेरे जो संगठन है इसमें 180 संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं के द्वारा भी मैं उन शिक्षा के जो विद्यालयों के निदेशक हैं, शिक्षक हैं, उन तक भी ये बात पहुंचाऊंगा कि आप इस अनमोल फिल्म के लिए पूर्ण रूप से प्रयास करें, क्योंकि ऐसी फिल्म जो विद्यार्थियों के हित में हो, शिक्षकों के हित में हो और जो संगठन जो अनमोल भैया जी कार्य कर रहे हैं ये बहुत ही उत्तम कार्य है, ऐसे कार्य के लिए जितनी सराहना की जाए उतनी थोड़ी है, इसलिए मैं ये बात कहना चाहूंगा कि ये कार्य बहुत उत्तम है और ऐसे कार्य को लगातार सपोर्ट किया जाना चाहिए, सहयोग दिया जाना चाहिए। सरकार ने अपना कानून लगाया और अभिभावक उसके अनुसार या कई प्रकार की उनकी अलग अलग मनोवृत्तियों के अलग अलग मस्तिष्क की विचारधाराओं के अभिभावक होते हैं, पर जो शिक्षा जगत में काम कर रहा है विद्यालय का निदेशक या शिक्षक, तो विद्यालय का निदेशक हमेशा सबके साथ सद्व्यवहार करता है। हम शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और शिक्षाविद हैं, हमारा नेताओं से कोई संबंध नहीं कि हमें राजनीति से मतलब नहीं, राजनीति अलग होती है, वहाँ कहा कुछ जाता है और किया कुछ जाता है, पर हमारा
विचार इस प्रकार का नहीं होता। हम शिक्षा जगत से जुड़े होने के कारण हम हमेशा यही चाहते हैं जो बात कही जाए वो कर्म रूप में अपनाई जाए। तो जहां अगर इस प्रकार की कोई फिल्म आती है, किसी शिक्षक को हीरो बनाया जाता है, शिक्षक को के सम्मान में कोई फिल्म दिखाई जाती है और बच्चों के हित के लिए कोई फिल्म दिखाई जाती है, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम उसके लिए पूरा सहयोग करेंगे। और जो मेरे साथी हैं और भी जितने भी शिक्षक गण हैं या विद्यार्थी हैं, चाहे भले ही हमें अपने पैसे से ले जाकर उन बच्चों को पिक्चर दिखानी पड़े, हम जरूर उनको दिखाएंगे। क्योंकि ऐसे कार्य से, ऐसी पिक्चर से या ऐसे सिनेमा से, ऐसे कहानी से उन बच्चों में अच्छे संस्कार पैदा होंगे, शिक्षक के प्रति सम्मान की भावना पैदा होगी। तो इसमें सभी जो शिक्षाविद हैं उनको भी मेरा यही कहना है कि उनको इस कार्य के लिए पूर्णतः सहयोग देना चाहिए। और ऐसी पिक्चर हो तो भले ही विद्यालय स्तर पर उनको सारा खर्चा वहन करते हुए और ऐसी पिक्चर को दिखाना चाहिए और उसको पूरा सहयोग देना चाहिए। अनमोल जी ने जो बीड़ा उठाया है वो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि इस प्रकार का मेरे जीवन का जो अनुभव रहा है वो पहला अनुभव है जो मेरे सामने बात आई है। और ये जो उन्होंने कार्य किया है, नाम उनका अनमोल है और कार्य भी उनका अनमोल है, इसलिए मैं चाहता हूं कि उनका ये जो कृति है वो अनमोल बन करके समाज के सामने आए और उनका नाम रोशन हो। और समाज के लिए उन्होंने जो कार्य किया है, समाज हमेशा उनका ऋणी रहेगा। और समाज भले ही चाहे उनको भुला दे, पर शिक्षा जगत कभी उनको भुला नहीं सकता। उनका सम्मान, आदर सत्कार हमेशा रहेगा और ऐसे कार्यों के लिए सदैव उनकी सराहना करूंगा। आगे से आगे वो ऐसे सुंदर कार्य करते जाएं ताकि समाज को एक अच्छी देन मिल सके, समाज में एक अच्छा जो है जागृति आ सके और समाज एक अच्छी राह की ओर चल सके। ये अनमोल भैया फिल्म जो 31 अगस्त को रिलीज होने जा रही है, मैं अपने विद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षकों, परिवार और अभिभावकों सहित सबको दिखाने जा रहा हूँ। और आप सभी जो विद्यालय के निदेशक गण हैं, प्रधानाचार्य हैं, शिक्षक गण और विद्यार्थी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसी बच्चों और शिक्षकों को प्रोत्साहन देने वाली फिल्म जो दिखाई जा रही है उसके लिए बिल्कुल संकोच ना करें। चाहे अपनी जेब से कुछ खर्चा भी करना पड़े तो जरूर उनको दिखाएं ताकि उन बच्चों में अच्छे संस्कार पैदा हों और अच्छी आदतों का विकास हो और समाज में एक अच्छी देन दे सकें।